दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको महिंद्रा की पोर्टफोलियो में अवेलेबल सभी गाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें SUV, कॉम्पैक्ट SUV, MUV, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पिकअप और अपकमिंग गाड़ियां शामिल हैं। साथ ही हम आपके साथ महिंद्रा के एक क्विक शॉर्ट फैक्ट्स भी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो, मैं हूं आपका दोस्त सुमित एंड वेलकम टू कार ट्यूब इंडिया। दोस्तों जब हम किसी को महिंद्रा कहते सुनते हैं तो लिटरली हमारे दिमाग में एक SUV की तस्वीर आ जाती है। हालांकि महिंद्रा हमेशा से ऑटोमोटिव कंपनी नहीं रही है। बेसिकली 1945 में इस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी के रूप में हुआ था और इसका ओरिजिनल नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद था। लेकिन 1948 में मोहम्मद साहब ने कंपनी को छोड़ दिया और इसके बाद इसका नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कर दिया गया, क्योंकि ये दो भाइयों का एक कॉन्ग्लोमरेट था। फिर इसके बाद 1954 में महिंद्रा एंड महिंद्रा विलीज ओवरलैंड कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप में आई और इंडिया में जीप टाइप की ऑफ रोडिंग गाड़ियों को असेंबल करना शुरू किया और इस तरह से महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फर्स्ट टाइम ऑटोमोटिव सेक्टर में एंट्री ली और उसके बाद से अभी तक कंपनी ने ऑटोमोटिव सेक्टर में एक लंबा सफर तय किया और आज ये वन ऑफ द बेस्ट इंडियन कार ब्रांड्स में से एक है। दोस्तों महिंद्रा की शुरू से ही एक खूबी रही है, इन्होंने हमेशा अपनी कार्स में सस्टेनेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, रिलायबिलिटी और सेफ्टी को ज्यादा फोकस किया है और यही रीजन भी है कि इनकी गाड़ियां मार्केट में इतनी ज्यादा पॉपुलर हैं। दोस्तों महिंद्रा की SUV लिस्ट में जो सबसे पहली गाड़ी है वो है XUV 700, जो कि आपको 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। ये गाड़ी आपको फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव दोनों ही ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे और इसकी एक शोरूम प्राइस 13,44,000 रुपए से शुरू होकर 24,94,000 रुपए तक जाती है। दूसरी जो गाड़ी है वो है महिंद्रा की थार, जो कि 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर की डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। दोस्तों थार फोर व्हील ड्राइव ऑफ रोडिंग SUV है, जिसकी एक शोरूम प्राइस 13,59,000 रुपए से शुरू होकर 16,29,000 रुपए तक जाती है। नेक्स्ट वन इज स्कॉर्पियो एन, जो कि 2 व्हील और 4 व्हील दोनों ही ड्राइव टाइप के साथ आती है और इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन 2.2 लीटर डीजल और 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन विद 6 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। इसकी एक शोरूम प्राइस 11,99,000 रुपए से शुरू होकर 23,90,000 रुपए तक जाती है। अगली गाड़ी है स्कॉर्पियो की क्लासिक, जो कि सिर्फ 2.2 लीटर की M-Hawk डीजल इंजन के साथ आती है और ये 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। इसकी एक शोरूम प्राइस रेंज 11,99,000 रुपए से शुरू होकर 15,49,000 रुपए तक जाती है। दोस्तों महिंद्रा के इस लिस्ट में एक और प्रीमियम SUV थी, जिसका नाम एल्टुरस जी है। इस SUV को हाल ही में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और इसकी प्राइस 36 लाख रुपए से अधिक थी। दोस्तों महिंद्रा की कॉम्पैक्ट SUV कार्स की लिस्ट में जो पहली कार है वो है 7 सीटर बोलेरो नियो, जो कि 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है। ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है और इसकी एक शोरूम प्राइस 9,53,000 रुपए से शुरू होकर 10,48,000 रुपए तक जाती है। दूसरे नंबर पर 7 सीटर बोलेरो है, जो कि 1.5 लीटर की डीजल इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है और ये भी एक रियर व्हील ड्राइव SUV कार है। इसकी एक शोरूम प्राइस 9,48,000 रुपए से शुरू होकर 11,99,000 रुपए तक जाती है। कॉम्पैक्ट SUV की लिस्ट में तीसरी कार 5 सीटर XUV 300 है, जो कि 1 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है और इसकी एक्स शोरूम प्राइस 8,41,000 रुपए से शुरू होकर 14,07,000 रुपए तक जाती है। नेक्स्ट कॉम्पैक्ट SUV है 6 सीटर KUV 100 नेक्स्ट, जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको देखने को मिल जाएगी और ये एक फ्रंट व्हील ड्राइव कॉम्पैक्ट SUV है। दोस्तों महिंद्रा के पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही MUV है, जिसका की नाम महिंद्रा मराजो है और ये 7 सीटर और 8 सीटर दोनों ही सीटिंग ऑप्शन के साथ 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है और इसकी प्राइस रेंज 13,41,000 रुपए से शुरू होकर 15,70,000 रुपए तक जाती है। दोस्तों लेटेस्ट न्यूज अपडेट से ये पता चला है कि महिंद्रा की मराजो की सेल कम होने के चलते इसे डिसकंटिन्यू करने का फैसला लिया गया है। अभी तो ये शोरूम में अवेलेबल है, पर हो सकता है कि आने वाले समय में ये आपको शोरूम में दिखाई न दें।
दोस्तों महिंद्रा के पोर्टफोलियो में आपको इलेक्ट्रिक कार्स बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल आपको शोरूम में सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार ई वेरिटो के नाम से देखने को मिलेगी, जिसकी एक शोरूम प्राइस 12,68,000 रुपए से शुरू होकर 13,04,000 रुपए तक जाती है। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में आपको महिंद्रा की इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बहुत सारे कार्स देखने को मिलने वाले हैं। कुछ ऐसे भी अपकमिंग कार्स हैं जो कि अभी आने वाले एक दो महीने में आपको शोरूम में देखने को मिल जाएंगे। उसमें से एक है XUV 400 जिसकी लॉन्चिंग जनवरी में होने वाली है, और दूसरी है EKUV 100 नेक्स्ट जिसकी एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग मार्च 2023 में होने वाली है। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिक सेगमेंट में XUV E8, XUV E9, BE05, BE07, BE09 जैसी कार्स आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही हो सकता है कि आपको 5-डोर थार भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाए। दोस्तों महिंद्रा के ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल सेक्शन में अभी आपको शोरूम में 4 पिकअप्स देखने को मिल जाएंगे। उनमें से एक है महिंद्रा बोलेरो पिकअप एक्स्ट्रा लॉन्ग, दूसरा है बोलेरो पिकअप एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, तीसरा है बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस, और चौथा है बोलेरो कैंपर। तो दोस्तों ये तो थी महिंद्रा के पोर्टफोलियो में अवेलेबल और अपकमिंग कार्स की लिस्ट। आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। दोस्तों अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंटरेस्ट रखते हैं और आने वाले समय में ऐसे और भी वीडियो के अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।